हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडी फ्रीडिश के एचडी सेटटॉप बॉक्स के बारे में, जिसे हम सीआरटी टीवी में कनेक्ट करके देखने वाले हैं। वैसे तो काफी लोगों के यही सवाल होंगे कि भाई इसमें नया क्या है, इसको तो हम कहीं ना कहीं अपने सीआरटी टीवी में पहले से भी देखते आ रहे हैं। लेकिन बताना चाहूंगा कि कुछ आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हाई डेफिनेशन के बॉक्स को ऑडियो वीडियो के माध्यम से तो देखा जा सकता है, लेकिन उसमें जो हाई डेफिनेशन के चैनल्स होते हैं उसे भी अपने सीआरटी टीवी में देखा जा सकता है। यानी एचडी चैनल्स जो हैं वो डीडी फ्रीडिश में जो हैं वो आप अपने एक डब्बा टीवी में भी देख सकते हैं। बताना चाहूंगा, बेशक पिक्चर क्वालिटी आपको हाई डेफिनेशन जैसी महसूस तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो साफ सी बात है एचडीएमआई से नहीं चल रहा है, और इसके अलावा जो आपका टीवी है वो भी एक नॉर्मल टीवी है, तो हाई डेफिनेशन जो पिक्चर क्वालिटी है वो तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, आप चाहते हैं कि मेरे सिर्फ हाई डेफिनेशन ही चैनल चल जाएं, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा मुमकिन है। अपने सीआरटी टीवी में एचडी चैनल्स को भी देख सकते हैं। मेरे पास जो है एएसआई का जो मॉडल का MPEG-4 एचडी सेटअप बॉक्स अवेलेबल है, उसे सीआरटी टीवी से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, और सभी चैनल्स को स्कैन करने के बाद उसमें जो है एक डीडी नेशनल एचडी जो चैनल है वो भी हम चलाकर देखेंगे कि क्या ये चल रहा है या नहीं है। हो सकता है आपके भी काफी वक्त से चल रहा हूं, आपके मुझे ऐसे कमेंट्स भी मिलेंगे कि भाई मुझे तो काफी वक्त से देखने को मिल रहा है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन जिनको मालूम नहीं है उनके लिए नई बात जरूर रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा। दोस्तों, मेरे पास जो है आज ASG का जो है हाई डेफिनेशन का डीडी फ्रीडिश का सेटअप बॉक्स अवेलेबल है, और इसे जो है हम अपने सीआरटी टीवी में कनेक्ट करेंगे। जी हाँ, और सीआरटी टीवी में आपको देखने के लिए को पता ही है कि हम ऑडियो वीडियो जितने भी पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के इस्तेमाल से जो है हम अपने सीआरटी टीवी में एचडी सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करेंगे, और जो डीडी नेशनल एचडी हमें डीडी फ्रीडिश में देखने को मिलता है वो भी आसानी से आप सीआरटी टीवी में देख सकते हैं। काफ़ी लोगों को जो है ये सवाल रहता है कि हाई डेफिनेशन के चैनल्स क्या सीआरटी टीवी में चल पाते हैं या नहीं, तो जी हाँ ये चल पाते हैं, और वही हम देखेंगे। तो इसलिए सेटअप बॉक्स को सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी इसके जो पोर्ट्स हम अब देख ही चुके हैं पीछे से, पीछे आपको LNB इन RS-232 जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ऑप्शन मिलता है, HDMI का पोर्ट दिया गया है, 3 आपको ऑडियो वीडियो और एक DC का जो पोर्ट है वो मिल जाता है। बाकी इसके अलावा जो रिमोट कंट्रोल है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा इसका, इसमें भी सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको ASG की ब्रांडिंग मिल जाती है, और उसमें आपको जो है रिकॉर्डिंग का फीचर भी दिया गया है। तो चलिए सीधा हम अपने टीवी में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम अपने ऑडियो वीडियो के जो वायर है वो टीवी के पीछे, सीआरटी टीवी के पीछे कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लाल में जो है लाल लगा देंगे, और वाइट में वाइट लगती है, और येलो में आपकी येलो लग जाएगी। और चलिए अब हम चलते सेटअप बॉक्स की, और वहाँ पर भी कनेक्ट कर लेते हैं। आप जो ऊपर देख पा रहे हैं हमारी जो ऑडियो वीडियो की वायर आ रही है टीवी से, जो हमने कनेक्ट करी है अभी, वही हम अपने सेटअप बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो पीछे जो है इसमें जो पोर्ट्स दिए गए हैं ऑडियो वीडियो के, उसमें हम कनेक्ट करेंगे। येलो में जो है हम येलो लगा देते हैं, लाल में लगा देंगे लाल, और वाइट वाइट लगा देते हैं। ठीक है, हमारा जो बॉक्स है वो अब यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, और अब जो है इसको हम पावर से ऑन कर लेते हैं। बाकी इसमें जो है पावर ऑन करने के लिए अडैप्टर का जो ऑप्शन है वो लगा दीजिए, और जो डिश एंटीने की जो वायर है डीडी फ्रीडिश कंटेनर से जो आ रही है वो इसके पीछे लगा दीजिए। सिंपली मेनू बटन पे हम जाएंगे, और उस पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे सिस्टम सेटअप के बाद, यहाँ पर आएंगे एडिट चैनल में, और एडिट चैनल में आने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं डिलीट ऑल कर देता हूँ, जितने भी चैनल्स हैं उसे मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, सेटअप बॉक्स बिल्कुल खाली हो जाएगा। देख सकते हैं कि 9 चैनल आ चुका है मेरे पास। अब सिंपली हम करेंगे क्या, सारे चैनल्स को स्कैन करेंगे एक बार फिर से, और आपको भी इसी तरीके से करना होता है। हम जाएंगे सिंगल सैटेलाइट सर्च में, और डीडी फ्रीडिश का सैटेलाइट जो है वो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है। FTA ओनली को यस रखेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ फ्री टू एयर चैनल ही चाहिए डीडी फ्रीडिश के। स्कैन चैनल टीवी प्लस रेडियो रखेंगे, यानी टीवी के भी आएंगे और रेडियो के भी चैनल स्कैन हो जाएंगे। और यहाँ पर ब्लाइंड स्कैन हमने जो है, अब वो काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे ऑटो स्कैन प्रीसेट स्कैन के, हमने ब्लाइंड स्कैन का ही इस्तेमाल करना है। अब सिंपली नीचे आपको सर्च नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करें। अब जितने भी चैनल्स डीडी फ्रीडिश के हैं, डीडी नेशनल HD हो गया या MPEG-4 के चैनल्स हो गए, वो भी इसमें स्कैन आपके साथ हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। सीआरटी टीवी में ऐसा नहीं है कि हाई डेफिनेशन के चैनल नहीं चलते, चलते बिल्कुल चलते हैं, तो उन्हीं का जो है आपको जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। डीडी नेशनल HD इसमें प्रॉपरली चल रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि पिक्चर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी,
क्योंकि ये CRT TV में आपको पता ही है हाई डेफिनेशन बॉक्स जो है वो काम पूरी तरीके से नहीं करते, क्योंकि इसमें HDMI जो पोर्ट है वो TV में काम नहीं करता, इसलिए आपको पिक्चर क्वालिटी तो नॉर्मल चैनल की तरह ही मिलेगी, लेकिन चैनल आपका चल जाता है, यानी इसका कोई कंटेंट हो, मूवी हो या सीरियल हो, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो सारे चैनल्स हैं वो स्कैन हो चुके हैं, टोटल 184 चैनल्स और 56 रेडियो चैनल्स हमें मिले हैं, और इसको सिंपली अब रिमोट से होके प्रेस करके सेव कर लेते हैं। बैक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी चैनल्स हैं वो आपके स्कैन हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऑल रेडियो को आपको TV में तब्दील करना होगा, तो रिमोट से TV बटन जो है प्रेस करेंगे तो आपके जो है सारे चैनल्स आ जाएंगे। तो लगभग 184 चैनल्स सक्सेसफुली स्टोर हो चुके हैं, इवन सन न्यूज़ भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। कुछ लोगों के सन न्यूज़ रिसीव नहीं होता है, तो यहाँ पर बताना चाहूँगा आसानी से आपको वो भी रिसीव हो जाएगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि MPG4 के चैनल्स भी प्रॉपरली आपके बॉक्स में चल जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि DDHD यानी DD National HD भी प्रॉपरली चल रहा है। आपको मैं सामने से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अब ऊपर जो है लोगो देख सकते हैं DD National HD का ही आ रहा है, और चैनल भी DD National HD ही है। तो हाई डेफिनेशन के जो चैनल्स हैं वो आसानी से चल जाते हैं, जिनके मन में दुविधा बनी हुई थी वो दूर हो गई होंगी। अगर इन फ्यूचर कोई भी हाई डेफिनेशन का चैनल लॉन्च होता है तो वो भी आसानी से आप अपने CRT TV में देख सकते हैं, जिसको कहीं ना कहीं हम डब्बा TV भी कह लेते हैं। जितने भी चैनल्स हैं MPG2 के हों, MPG4 के हों, एजुकेशन के चैनल्स हों, आप देख सकते हैं सोनीवा हो गया, जितने भी चैनल्स आपके MPG2 में भी चल रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, सोनीपाल होगा देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।